हम गणतंत्र भारत के निवासी हैं, करते अपनी मनमानी है, दुनिया की कोई फिक्र नहीं, संविधान करता पहरेदारी है। इतिहास इसका बहुत ही पुराना, संघर्षों का था वो जमाना, ना थी कुछ करने की आजादी, चारों तरफ हो रही थी बस देश की बर्बादी। एक तरफ विदेशी हमलों की मार, दूसरी तरफ दे रहे थे कुछ अपने ही अपनों को भार, पर आजादी के परवानों ने हार नहीं मानी थी, विदेशों से देश को आजाद करने की ठानी थी। एक के बाद एक किए अंग्रेजी शासकों पर घात, छोड़ दी अपनी जान की परवाह, बस आजाद होने की थी आखिरी आस। 1857 की क्रांति आजादी के संघर्षों की पहली कहानी थी, जो मेरठ, कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली और अवध में लगी चिंगारी, जिसकी नायिका झांसी की रानी आजादी की दीवानी थी, देशभक्ति के रंग में रंगी वो एक मस्तानी थी, जिसने देश हित के लिए स्वयं को बलिदान करने की ठानी थी, उसके साहस और संगठन के नेतृत्व ने अंग्रेजों की नींद उड़ाई थी, हरा दिया उसे षड्यंत्र रचकर, कूटनीति का भयंकर जाल बुनकर, मर गई वो पर मर कर भी अमर हो गई, अपने बलिदान के बाद भी अंग्रेजों में अपना खौफ छोड़ गई। उसकी शहादत ने हजारों देशवासियों को नींद से उठाया था, अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक नई सेना के निर्माण को बढ़ाया था। फिर तो शुरू हो गया अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष का सिलसिला, एक के बाद एक बनता गया वीरों का काफिला। वो वीर मौत के खौफ से भय न खाते थे, अंग्रेजों को सीधे मैदान में धूल चटाते थे, ईंट का जवाब पत्थर से देना उनको आता था, अंग्रेजों के बुने हुए जाल में उन्हीं को फंसाना आता था। खोल दिया अंग्रेजों से संघर्ष का दो तरफा मोर्चा, 1885 में कर डाली कांग्रेस की स्थापना, सत्य अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग को गांधी जी ने अपनाया था, कांग्रेस के माध्यम से ही उन्होंने जन समर्थन जुटाया था। दूसरी तरफ क्रांतिकारियों ने भी अपना मोर्चा लगाया था, बिस्मिल, अशफाक, आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों से देश का परिचय कराया था, अपना सर्वस्व इन्होंने देश पर लुटाया था, तब जाकर 1947 में हमने आजादी को पाया था। एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है हमने आजादी के खातिर, ना जाने कितने वीरों ने जान गवाई है देश प्रेम के खातिर, निभा गए वो अपना फर्ज, देकर अपनी जाने, निभाए हम भी अपना फर्ज, आओ आजादी को पहचाने। देश प्रेम में डूबे वो ना हिंदू ना मुस्लिम थे, वो भारत के वासी, भारत माँ के बेटे थे, उन्हीं की तरह देश की सरहद पर हर एक सैनिक अपना फर्ज निभाता है, कर्तव्य के रास्ते पर खुद को शहीद कर जाता है। अब हम भी देश के नागरिक बने, हिंदू मुस्लिम सब छोड़कर मिलजुल कर आगे बढ़े, अभी समय है इस भ्रम के टूट जाने का, सब कुछ छोड़कर भारतीय बन जाने का। यदि फंसे रहे जातिवाद में तो पिछड़ कर रह जाएंगे संसार में, अभी समय है उठ जाओ वरना पछताते रह जाओगे, समय निकल जाने पर हाथ मलते रह जाओगे, भेदभाव को पीछे छोड़कर पहले भारतीय बन जाए, इस गणतंत्र दिवस मिलजुल कर तिरंगा लहराए, जय हिंद।